Hello students, good morning. Students, today we will start a new topic in our science, weather, climate and adaptations of animals to climate. How the animals are adapting the climate with their body. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? Students, आपको याद है जब भी आप कोई भी हिल स्टेशन को कहीं पे भी अगर घूमने के लिए जाते हैं देन व्हाट इज योर पेरेंट्स सेइंग दैट पैकेज व्हेन यू पैक योर हीलिंग मतलब जब आप आपका सामान वगैरह रखते हैं जब हिल स्टेशन को जाते हैं क्या क्या लेना है. व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला. जब चारों ओर आसमान पे बादल छाया हुआ रहता है क्लाउडी रहती है तब आपके पेरेंट्स आपके एल्डर्स या आपके फ्रेंड्स आपको क्या सलाह देते हैं. ए वेयर आर यू गोइंग इफ यू आर गोइंग आउटसाइड देन टेक कैरी एन अम्ब्रेला. अगर आप बाहर जा रहे हो तो एक अम्ब्रेला आप ले लीजिए. हैव यू हियर एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शंस. अभी देखो कोई भी रेन सीजन में हो विंटर सीजन में हो समर सीजन में हो कोई भी अपना घर पे कोई सोशल फंक्शन होता है या कोई सेरेमनी होती है तब स्टूडेंट्स आपके पेरेंट्स जो घर के फैमिली मेम्बर्स है वो सब एक जगह पे बैठ के व्हाट दे आर डिस्कसिंग. अरे अभी नहीं होना चाहिए गर्मी हो तो इतनी गर्मी में कैसे करेंगे बारिश के दिन में हो तो कैसे अगर गेस्ट आएंगे तो हाउ वी विल मैनेज देम. यस और नो. यस तो फैमिली में क्या होता है वेदर का कोई भी फंक्शन के लिए वेदर का डिस्कशन होती है. यू मस्ट हैव आल्सो हियर द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर स्टार्ट ए गेम. अब देखिए क्रिकेट में तो आप सब रुचि रखते हैं क्रिकेट में आप सब जानते हैं तो क्रिकेट गेम स्टार्ट होने से पहले आपने टीवी में आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे वेदर कैसे रहेगा कितनी तापमान रहेगी हवा की स्पीड कितनी रहेगी व्हाट इज़ द टेम्परेचर एंड व्हाट इज़ द विंड स्पीड ये सब बारिश होगा या नहीं होगा इज देयर एनी चांस ऑफ रेन और नॉट ऑल द थिंग्स दे आर डिस्कसिंग. सभी चीज़ क्या होते हैं वो लोग डिस्कशन करते हैं. यस डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम. हैव यू एवर वंडर व्हाई द वेदर मे हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. क्योंकि गेम के ऊपर कोई भी इफेक्ट हो सकता है. इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स. इट नॉट ओनली गेम ये हमारे लाइफ्स के ऊपर भी प्रोफाउंड होती है. मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन वेदर प्रेडिकेट फॉर द डे. हमारा जो डेली प्लानिंग होती है हम भी जो डेली एक्टिविटीज करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग स्कूल पे आते हो फादर लोग शॉप पे जाते हैं या जॉब पे जाते हैं क्लाइमेट कैसा होता है. अभी विंटर का सीजन है विंटर का सीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स ज़्यादा ठंडी रहती है सवेरे सवेरे तो उसमें क्या होता है हम लोग कैसे प्लानिंग करते हैं अगर कहीं पर भी जाना है चलो तो थोड़ा देरी में चले जाए. देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़ पेपर. आप देखते होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना आपके एक डेली रिपोर्ट आपके आज का दिन कैसा रहेगा आज का क्लाइमेट कैसे रहेगी ये आपको आपके टेलीविजन टीवी पे रेडियो पे और न्यूज़पेपर में आपको बताया जाता है वन डे बिफोर. मतलब आजकल स्टूडेंट्स इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है सुनामी आने से पहले कहीं पे एक स्ट्रम आने से पहले ये सब पहले से हमको पता चल जाता है कि ये विंड का स्पीड इतना होगा. तो उसमें से क्या होता है अगर वेदर का अपने को पता रहता है वी कैन सेव आवर लाइफ. हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम अपने आप को अपने लाइफ को बचा सकते हैं. बट डू यू नो व्हाट इज वेदर रियल इज. क्या आपको पता है सही में वेदर क्या होता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. स्टूडेंट्स ये जो सब्जेक्ट है अपना चैप्टर नंबर 7 है इसमें हम लोग रियली वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ाई करेंगे. वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड
टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। अभी हम देखेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पीपल्स, मतलब कैसे हम जो आदमी हैं या हम सब हैं क्लाइमेट के साथ कैसे खुद को उसमें शामिल कर देते हैं। वेदर इन फिगर 7.1 सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट। लुक स्टूडेंट, दिस वन इज योर फिगर 7.1 वेदर रिपोर्ट। मैक्सिमम 16.1 डिग्री सेल्सियस -5, मिनिमम 2.64। सनसेट ये टाइम पे, सनराइज ये टाइम पे, मूनसेट ये टाइम पे, मतलब पहले से ही हमको, और ये दिखे लास्ट में, पार्टली क्लाउडी, मिनिमम टेंशन विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है मंडे 83%। ये एक वेदर फोरकास्ट, ये क्या होता है, हर कोई न्यूज़पेपर में हमारे पास या टीवी स्क्रीन में पहले से मिल जाता है। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। हमको ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, विंड का स्पीड क्या रहेगा, और बारिश होगा कि नहीं होगा। ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स इट आल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। मतलब 24 आवर्स से पहले वो दिन कैसे रहेगा, कैसे जाएगा, ये सब के बारे में भी वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एज यू माइट नो इज ए मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर, और एयर में कितना मॉइस्चर रहेगी उसकी वो भी हमको पता चल जाता है। स्टूडेंट्स, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हवामान विभाग, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो है गवर्नमेंट की, वो पता करते हैं कैसे क्या रहेगा आपका दिन, कितना विंड स्पीड रहेगा, रेन होगा कि नहीं, ये सब के बारे में हमको बताते हैं। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड, ईटीसी, वो सब जितने भी गर्मी हो, हवा की स्पीड क्या है, कोल्ड कितना रहेगी, विंड का स्पीड क्या रहेगी, ये डिपार्टमेंट का काम वही है, वो अपने को बताएंगे एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन, और उसको बेस में रखकर, उसको ध्यान में रखते हुए अपना क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये अपना वेदर रिपोर्टर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे हियर वी विल स्टॉप आवर लेसन हियर, वी विल फिनिश इन पार्ट वन, यू रीड एंड रिवाइज दिस चैप्टर, इन पार्ट टू we will start from activity 2. Okay, till then take care, goodbye.